हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर टू का अगला पॉइंट, जिसका नाम है वर्किंग विथ ईमेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ईमेल होता क्या है, तो ईमेल बेसिकली जो होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट फॉर्म में हम ईमेल कहते हैं, ठीक है। अब ईमेल जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए यूज किया जाने वाला एक ऐसा टर्म है जिसके हेल्प से हम इंटरनेट के माध्यम से किसी को भी कहीं भी जो भी मैसेज चाहे हम इंस्टेंट या रियल टाइम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल रिप्रेजेंट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच अ यूज़र कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज टू अदर यूजर्स थ्रू द इंटरनेट। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज डिलीवर्ड टू द यूज़र इन हिज और हर ईमेल अकाउंट। ईमेल प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू एक्सचेंज द डिजिटल मैसेज अक्रॉस द इंटरनेट। कहने का मतलब यह है कि जो ईमेल है एक बहुत ही सस्ता, सुगम और आसान मीडियम प्रोवाइड करता है हमें किसी को भी अपने थॉट्स को या ईमेल्स को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, हम इन सभी चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, ईमेल सिस्टम सच एज मोजिला थंडरबर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आर बेस्ड ऑन स्टोर फॉरवर्ड अप्रोच। द इन स्टोर फॉरवर्ड अप्रोच द ईमेल सर्वर फर्स्ट रिसीव द ईमेल from the sender and then forwards it to the concerned user। अब देखिए, जो ईमेल होता है उसके बारे में आप बेसिकली जानते हैं, आपने क्लास 9th में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। अब ईमेल जो होते हैं उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यूज़र नेम, एट द रेट एंड होस्ट नेम, ठीक है। तो यूज़र नेम जो होता है वो बेसिकली उस यूजर का होता है जो कि ईमेल सर्विस को यूज कर रहा है। उसके बाद एट द रेट जो होता है, इसे ब्रिज बॉय बोलते हैं या जॉइंटर भी बोलते हैं या कनेक्टर भी बोलते हैं। अब उसके बाद जो होस्ट नेम होता है उसे आप डोमेन नेम भी कह सकते हो, जो कि पर्टिकुलर वेबसाइट जिसके थ्रू जिस कंपनी का आप ईमेल सर्विस यूज कर रहे हो उसके नेम को ही हम होस्ट नेम या डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। अब क्या मतलब होता है यूज़र नेम एट द रेट होस्ट नेम का? मतलब इसका मतलब ये होता है कि इस नाम का यूज़र इस होस्ट नेम नाम के वेबसाइट पर ईमेल सर्विस को यूज कर रहा है, ठीक है। अब आप यही सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसका जो ओवरऑल मीनिंग है वो यही है कि ईमेल कौन सा यूज़र किस वेबसाइट पे यूज कर रहा है उसका कंप्लीट डिटेल ही होता है उसका ईमेल आईडी, ठीक है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, यानी कि ईमेल के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इसका वो है पेपरलेस कम्युनिकेशन, यानी कि हमें ईमेल सर्विस को यूज करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। उसके अलावा अब जब ये पेपरलेस हो गया तो ये ग्रीन इकोनॉमी या एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। कैसे करता है? क्योंकि जब आप पेपर वर्क करोगे नहीं तो उसके लिए पेपर बनेगा नहीं, और पेपर बनेगा नहीं तो पेड़ वगैरह कटेंगे नहीं, ठीक है। इस तरह से अब आगे हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और क्विक होता है, यानी कि यूज करने में बहुत आसान होता है और बहुत फास्ट होता है। जैसे ही आप एक सिंगल क्लिक करते हो मैसेज आपका दूसरे रिसीवर तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ है कि इसे आपको बताना नहीं पड़ता कि आपको किस लोकेशन पे मेल को सेंड करना है, केवल उसका यूज़र नेम होना चाहिए और वो दुनिया के किसी भी कोने में हो वो मेल उस तक पहुँच जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। सेव्स पेपर एंड इट इज़ ईजी टू एडिट, पेपर वर्क करना नहीं पड़ता इसमें और इसे आसानी से एडिट किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है ट्रांसमिट मैसेज फास्टर देन नॉर्मल कम्युनिकेशन मीडियम सच एज स्पीड पोस्ट और कुरियर। अब जैसा कि कुरियर जो होता है वो मिनिमम 3 डेज लेता है और स्पीड पोस्ट लगभग 1 वीक का टाइम लेता है, लेकिन ये क्या होता है कुछ सेकेंड्स में ही आपके मैसेज को डिलीवर कर देता है। उसके बाद है अलाउज यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस। आई यू नीड Not to go buy stamps and envelopes and then post it later in the post office। कहने का मतलब यह है कि आपको मेल को भेजने के लिए किसी भी तरह का स्टाम्प नहीं खरीदना पड़ता, ना तो किसी तरह का एनवेलप परचेस करना पड़ता है। आप सीधे टाइप करो और जिसे भी सेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो। Enables you to transmit a single message to multiple users। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप एक बार मैसेज टाइप करके आप जितने भी चाहो उतने यूज़र को सेंड कर सकते हो। Provides you to space to save the incoming and outgoing message for the future reference। अब जो मैसेज आपने सेंड करा है वो आपके ड्राफ्ट फाइल में या स्टोरेज में इनबॉक्स या आउटबॉक्स में स्टोर हो जाता है, ताकि आप उसे फर्दर भी यूज कर सको।
प्रोवाइड द मेल बॉक्स वेयर यू कैन स्टोर द ईमेल मैसेजेस एंड डिलीट देम इफ रिक्वायर्ड योर कन्वीनियंस। अब ये मेल बॉक्स जो होता है वहाँ पे आप चाहो तो किसी भी मेल को स्टोर कर सकते हो और अगर चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ ईमेल, यानी कि ईमेल क्या क्या नहीं कर सकता। तो रिक्वायर्स हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर एंड प्रिंटर एंड अ नेटवर्क कनेक्शन टू एक्सेस द प्रिंट ईमेल मैसेज। सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इसे हार्डवेयर डिवाइस चाहिए, यानी कि कंप्यूटर या कोई भी ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि ईमेल को सपोर्ट करता हो, जैसे कि कंप्यूटर या प्रिंटर, और उसके साथ ही नेटवर्क कनेक्शन भी चाहिए ताकि आप इंटरनेट को एक्सेस करके मेल को सेंड कर सको। कैनॉट बी रिवोक्ड इफ सेंड टू रॉन्ग रिसिपिएंट बाय मिस्टेक। अब उसके बाद इसे डिलीट नहीं किया जा सकता, अगर गलती से आपने किसी गलत आदमी को मैसेज कर दिया तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते या रिवोक नहीं कर सकते। लैक्स द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग वर्बली दैट इज़ पॉसिबल इन अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन। अब जैसे कि टेलीफोन में अगर आप सैड हो या बहुत खुश हो तो सामने वाले जब आप बात करोगे तो उसे क्लियर पता चलेगा कि आप इस समय कैसा फील कर रहे हो, लेकिन ये एबिलिटी ईमेल में नहीं होती है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टास्क एसोसिएटेड विथ ईमेलिंग। तो बिफोर यूजिंग ईमेलिंग सर्विसेज यू नीड टू क्रिएट एन इंटरनेट बेस्ड ईमेल अकाउंट। सबसे पहले ईमेल को यूज करने के लिए आपके पास एक ईमेल इंटरनेट बेस्ड ईमेल अकाउंट होना चाहिए। अब आप इसे कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि जीमेल, याहू मेल या रेडिफ मेल या हॉटमेल, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक ईमेल अकाउंट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के नाम दिए हुए हैं जहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हो। अब उसके बाद देखते हैं कि हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है ईमेल अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें इंटरनेट को कनेक्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर से, और उसके बाद किसी भी ब्राउज़र में जिस वेबसाइट पर हम अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप स्टेप टू में यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने इंटरनेट ईमेल अकाउंट खोलने के लिए gmail.com का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब जब हम इस पे ईमेल अकाउंट को ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है जीमेल का, लैपटॉप में या फिर मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको आपको फॉलो करना है, फिल करते जाना है, और जब आप सारी चीज़ों को फिल कर लोगे, सारे डेटा को जो भी ये मांग रहा है, तो सिंपली आपको आई एग्री टू द गूगल टर्म्स एंड सर्विसेज पॉलिसी पे क्लिक करना है चेकबॉक्स पे, और उसके बाद जो नेक्स्ट बटन है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो आप, ठीक है, ये यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप और ये आई एग्री टू द गूगल टर्म्स एंड सर्विसेज। इन दोनों को क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाला विंडो ओपन होगा, ठीक है। अब ये वाला विंडो शो करता है कि आपका ईमेल अकाउंट क्रिएटेड हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद यू कैन क्लिक टू कंटिन्यू जीमेल बटन ऑन वेलकम पेज विच विल टेक यू टू द ईमेल अकाउंट दैट यू हैव जस्ट क्रिएटेड, यानी कि आपने जो भी ईमेल अकाउंट खोला है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आगे जो चीज़ है यह है काम की चीज़। There are several Linux based email client softwares that you can use to send and receive email messages. यानी कि बहुत सारे Linux based email client softwares हैं जिसके हेल्प से आप email को send कर सकते हो और receive भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो softwares होते हैं basically home users के द्वारा use किए जाते हैं जो कि आसानी से अपने email को access करना चाहते हैं, जैसे कि Mozilla Thunderbird या ClauseMail या Jimbra Collaboration Suite, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये आपके जो ईमेल जरूरी मेल्स हैं या इनबॉक्स के मेल्स हैं जिन्हें आपने सेंड और रिसीव किया है, ये केवल उनको शो करते हैं। तो किसी भी यूज़र के लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी जरूरी ईमेल को एक्सेस करना देन कि आप पर्टिकुलर वेबसाइट के इनबॉक्स में जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्पैम मेल भी आते हैं तो यूज़फुल मेल को ढूंढना बहुत टफ होता है, ठीक है। अब आते हैं हम चेकिंग इन एन ईमेल अकाउंट, हम ईमेल में अकाउंट में कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ठीक है, ये देखिए आप टाइप द स्टेप url.www.gmail.com एड्रेस बार ऑफ योर वेबसाइट, यानी कि ब्राउज़र का जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पे हमें इस वाले एड्रेस को टाइप करना है, ठीक है। टाइप करने के बाद सीधा आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ोगे आप जैसे ही तो आप देखोगे ये वाला पेज खुल के आएगा, तो यहाँ पे अपना यूज़र आईडी
और पासवर्ड फिल करना है, और फिल करने के बाद ये जो साइन इन वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का खुल के आएगा इनबॉक्स, जिसमें कि बहुत सारे मेल्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इन मेल बॉक्स को देखने के बाद आप जिस भी मेल पे क्लिक करोगे, सपोज करो आपने किसी मेल पे क्लिक किया, तो ये कुछ इस तरह का इनबॉक्स मैसेज बॉडी खुल के आता है। जो भी उसमें डेटा रहेगा वो आपको यहाँ पे इस वाले जगह पे विजिबल होगा, ठीक है। अब रिप्लाइंग फॉरवर्डिंग ईमेल मैसेज, अब किसी मेल को आप रिप्लाई या फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप मेल को ओपन करोगे तो ये देखो आप यहाँ पे रिप्लाई और फॉरवर्ड दोनों का ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला रिप्लाई है, दूसरा वाला फॉरवर्ड है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से अगर आपने मान लो कि रिप्लाई पे क्लिक किया, ठीक है, तो रिप्लाई पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स ओपन होके आएगा, ये देखो, जिसमें कि ये मैसेज बॉडी है। यहाँ पे आप जो भी मैसेज टाइप करना चाहते हो टाइप करो, और टाइप करने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे मैसेज का रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है ये फॉरवर्ड वाला, तो फॉरवर्ड वाले पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका मैसेज सिंपली ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का विंडो ओपन होके आएगा जहाँ पे आपको जिसे फॉरवर्ड करना है उसका ईमेल आईडी इनपुट करना है यहाँ पे। जैसे ही आप इनपुट करोगे फिर यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है, मैसेज ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। अगर आप लैपटॉप पे परफॉर्म करोगे, जब भी आपका स्कूल ओपन होगा आपको ये लैब में एक्टिविटी कराई जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल मैसेज, एक ईमेल मैसेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो इसे भी एक ह्यूमन बॉडी की तरह डिफाइन किया जाता है, जिसमें कि एमएस हेडर होता है, बॉडी होता है और भी हिस्से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं मैसेज हेडर। मैसेज हेडर यानी कि हेड, यानी कि टाइटल जहाँ पे हम फिल करते हैं उसे हम हेडर बोलते हैं, ठीक है। अब हेडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले होता है फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मतलब जिसने उस मेल को सेंड किया है, ठीक है, सेंडर का नाम होता है। टू यानी कि जिसके पास हमें इस मैसेज को सेंड करना है, यानी कि रिसीवर। उसके बाद है अगला सब्जेक्ट, यानी कि जो मेल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या है उसका टॉपिक, उसे हम सब्जेक्ट में डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद है डेट, तो जो डेट होता है वो बेसिकली ईमेल को किस दिन सेंड किया गया है, कब सेंड किया गया है, इन सब चीज़ों को डिफाइन करता है। उसके बाद है मैसेज आईडी, रिफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ मैसेज प्रोवाइडेड बाय द ईमेल सर्वर, ठीक है। ये एक तरह का कोड होता है जो कि ईमेल सर्वर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उस मैसेज को, ठीक है। ये बेसिकली उसकी आइडेंटिटी के लिए होता है। अब उसके बाद होता है सीसी, ठीक है। तो सीसी जो होता है, रिसिपिएंट हुज ईमेल एड्रेस आर एडेड इन द सीसी विल वुड रिसीव अ कॉपी ऑफ द मेल। अब जो कार्बन कॉपी वाले जगह में जिस रिसिपिएंट का नाम होता है वो उस मेल का एक कॉपी रिसीव करता है, ठीक है। अब उसके बाद है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो द रिसिपिएंट हुज ईमेल एड्रेस आर एडेड इन बीसीसी फील्ड विल रिसीव अ कॉपी ऑफ ईमेल, हाउएवर द आइडेंटिटी ऑफ दिस रिसिपिएंट वुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। अब जो बीसीसी में जो लोग रहते हैं उन तक भी एक कॉपी मेल की पहुंचती है, लेकिन इसका फीचर, स्पेशल फीचर ये है कि उन जिनको ये इसकी कॉपी सेंड की जाती है बीसीसी के थ्रू, उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद है कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप होता है मतलब कि फॉर्मेट, जिसमें कि आपका मैसेज किस फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जाएगा, उसका ओवरऑल वर्चुअल लुक कैसा होगा, ठीक है। अब उसके बाद है मैसेज बॉडी, तो मैसेज बॉडी सिंपली वो एरिया होता है जहाँ पे मैसेज पूरा टाइप किया हुआ या प्रिंट किया हुआ होता है, ठीक है। अब उसके बाद है सेंडिंग एन मैसेज, तो सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पे, स्टेप वन, कंपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो कंपोज वाला ऑप्शन, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो योर फ्रेंड, जिसको आपको सेंड करना है उसका ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका जीमेल एड्रेस रहेगा, फिर यहाँ पे इस मैसेज बॉडी में आपको मैसेज को टाइप करना है, और टाइप करने के बाद सिंपली ये जो सेक्शन है यहाँ से आपको सेंड कर देना है, आपका मेल सेंड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा या बहुत ज़्यादा टफ है, स्पेशली तब जब आज के समय में आप ईमेल के साथ बहुत ही फैमिलियर हो, ठीक है। अब उसके साथ किसी फाइल को अटैच कैसे करते हैं ईमेल के साथ, ठीक है।
तो उसे भी हम देख लेते हैं। ये देखो आप, जब आप ओपन करोगे तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये फ़ोटो अटैच करने के लिए, ये किसी फाइल को अटैच करने के लिए रहता है। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करो, क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल के आएगा। उस विंडो से आप डॉक्यूमेंट को ब्राउज करके सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही वो इस मेल के साथ फाइल अटैच होगा, उसके बाद आप सेंड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो फिर से एक बार अटैच वाला सेक्शन, कैसे आप किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब उसके बाद क्या करना है हमें, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स की मीनिंग क्या होती है और उनका आइकन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इसे आप बुक से पढ़ लेना अच्छे से, आई डोंट थिंक इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक्रोनिम्स हैं जिनके मीनिंग भी दिए हुए हैं, इन्हें भी आपको बुक से पढ़ लेना है और देख लेना है कि इसका मतलब क्या होता है। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार आप बुक उठाओ और पढ़ो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।